हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चटपटा किचन में बनने जा रहा है बची हुई चाशनी के बहुत ही स्वादिष्ट गुलगुले एकदम नए तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चटपटा किचन में। ये हमने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गरम कर लिया है। इसमें हम एक बड़ी कटोरी आटा भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए, हमारा गोल्डन ब्राउन भून गया है आटा हमारा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएंगे। और एक कटोरी के लगभग एक अद्दू कस किया हुआ नारियल मिलाएंगे हम। आटे को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें चाशनी धीरे धीरे करके डालते हुए हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ने पाए। इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम मिलाते जाएंगे। ध्यान में रहे कि इसमें लम्स बिल्कुल बिल्कुल ना पड़ने पाए। स्मूथली इसको हम मिलाते जाएंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो इसमें हम थोड़ी चाशनी और मिलाएंगे। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आधा पिंच के बराबर हम नमक मिलाएंगे इसको टेस्ट को, मीठेपन को बैलेंस करने के लिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिए थे। इसको एक बार हम फिर से मिलाएंगे। इधर कढ़ाई में हमने तेल गरम करने रख दिया था तो हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें हम चम्मच की सहायता से छोटे छोटे गुलगुले डाल देंगे इसमें फ्राई करने के लिए। और धीमी आंच में हम इसको पकाएंगे। इसी तरह से हम सारे गुलगुले निकाल लेंगे यानी कि फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे पक गए हैं। जो एक साइड से हल्के हल्के कच्चे उनको पलट देते हैं, ऐसे हिला देंगे तो जो बीच बीच से नहीं पके हैं वो भी पलट के पक जाएंगे। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए ज़्यादा कड़छी यूज करने में फैल सकते हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम जितने बाकी बचे हैं सभी को फ्राई कर लेंगे। जितना हमारा बैटर बचा है उसके और गुलगुले हम बना लेते हैं उसी प्रोसेस से। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसमें कलछी नहीं लगाते, नहीं तो इनको फटने का डर रहता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये हमारे पक गए हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लेफ्ट ओवर चाशनी के नए तरीके के गुलगुले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसको आप चाहे तो ऐसे ऐसे खा सकते हैं, चाहे तो रबड़ी मलाई के साथ टेस्ट करेंगे, जैसे भी हो। वैसे आप रबड़ी मलाई के साथ एंजॉय करेंगे तो बहुत ही स्वाद इसका अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।